हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। पूरे टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये पूरे चैप्टर में। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग पूरे टॉपिक को नहीं कवर करना चाहते, वो कुछ ही पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, तो वो आसानी से कवर कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स की मदद से। अब ये टाइम स्टैम्प्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर नीचे जो टाइम चलता रहता है कि कितना टाइम हुआ इस वीडियो को, तो वहाँ उसके बगल में भी जो लिखा हुआ रहता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स के नेम आ जाएंगे। तो उससे आसानी से आप उस टॉपिक पर जा सकते हैं जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। और जो लोग पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं वो आसानी से पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर जाना चाहें तो वैसे भी वो लोग जा सकते हैं, इससे आपको काफी हेल्प होगी। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पूरा क्लास 11 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस को जानने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे सिस्टमेटिक किसी चीज़ का क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बेसिस पर कुछ नॉलेज को किया गया, कुछ रीजनिंग उसमें की गई, तो वहाँ से जो हमारे जो नेचुरल फिनोमेना की जो भी नॉलेज ऑब्टेंड हुई वो क्या कहलाई, वो साइंस के अंतर्गत आई। यानी कि अगर इसको आप डेफिनेशन वे में अगर देखना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेंड बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंट किए गए एंड इसके बाद आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट रीजनिंग। तो इन सारे बेसिस के तौर पर क्या निकला, हमारा साइंस निकला। और इसके बाद इसके दो पार्ट्स इसको डिवाइड किए गए साइंस को। इसमें जो आगे हमें जानना है वो कौन कौन से हैं कि एक बायोलॉजिकल साइंस और एक हमारा कौन सा फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो था, तो बायोलॉजिकल साइंस में किससे डील कर रहा था, बायोलॉजिकल साइंस बिहेवियर से डील कर रहा था किसी भी लिविंग थिंग्स के। जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स है, हम हैं, आप हैं, या कोई भी जानवर है या कोई प्लांट है, तो बायोलॉजिकल जो है वो किससे डील कर रहा था, किसी भी लिविंग थिंग के बिहेवियर से डील कर रहा था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद जैसे और भी इससे तमाम जैसे फॉरेंसिक साइंस, तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, हमारी बायोलॉजिकल साइंस में। फिर इसके बाद जो हमारा जो दूसरा पार्ट था फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस भी कुछ इसी प्रकार से था, पर इसके भी दो पार्ट्स किए गए। तो उसमें पहला पार्ट था हमारा फिजिक्स और दूसरा पार्ट था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में डील हो रहा था सब्सटेंस से, उसके कंपोजिशन से, यानी कि सब्सटेंस का कैसा स्ट्रक्चर है और फिर उसके उसके स्ट्रक्चर में कैसा कंपोजिशंस हैं, ये केमिस्ट्री में डील चल रही थी। फिर उसके बाद आई फिजिक्स, जो हमको इसमें पढ़ना है। तो जो क्लास 10 तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, साइंस पढ़ा। तो आपने सारे साइंस में कंबाइंड पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10th तक आपने उसे कंबाइंड पढ़ा था। पर 11th में क्या होगा, 11th में आपकी फिजिक्स अलग हो जाएगी, बायो अलग हो जाएगा और केमिस्ट्री अलग हो जाएगा। तो जो बच्चे क्या ले रहे होंगे, मैथ ले रहे होंगे, तो वो बायो नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग एक स्ट्रीम बन जाएगा। वो क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जो बच्चे बायो ले रहे होंगे वो लोग फिजिक्स का पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड बायो पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो साइंस हो गया क्या हो गया, अलग अलग हो गया, कि कोई किसी में चला गया फिजिक्स के सेक्शन में, कोई केमिस्ट्री के सेक्शन में चला गया। तो यहाँ पर जो फिजिक्स जो वर्ड था, वो कहाँ से लिया गया था, ग्रीक से लिया गया था। और इस वर्ड को किसने नाम दिया था, एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 350 BC में फिजिक्स नाम रखा था। और इसका क्या मतलब निकलता है, फिजिक्स का मतलब निकलता है कि नेचर, यानी कि फिजिक्स भी किससे डील कर रहा है, कि नेचर की चीज़ों से डील कर रहा है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे इसमें आपका जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, या फिर और इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, हमारी फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, क्लियर। और आगे हम लोग और भी जानेंगे कि फिजिक्स के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद किसकी बात आती है, इसके बाद बात आती है कि हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट का कैसा एटीट्यूड होता है, इसको भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि आपकी NCERT में दे रखा है छोटा सा पॉइंट। तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड जो किसी भी चीज़ को, जैसे थिंकिंग, जैसे जैसे कोई बच्चा होता है, आप जानते हैं कोई बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा है,
तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता रहता है कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये बल्ब क्यों जल रहा है, कार जा रही है या ट्रक जा रही है तो उसमें भी बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, हमारे घर में तो वायर्स दिख रही हैं तो इन वायर से जल रहा है, उसमें वायर नहीं दिख रहा है, तो ये सारे तमाम जो सवाल होते हैं फिर उनके जो जवाब होते हैं, तो ये इस तरीके से जैसे बचपन में क्या रहता है, साइंटिफिक एटीट्यूड रहता है, पर धीरे 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 वो कम होते जाता है, पर जिन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है वो आगे जा कर के साइंटिस्ट बन जाते हैं, ऐसा मतलब अपने बिहेवियर के चलते, क्योंकि उसमें क्या रहता है काफ़ी रीजनिंग, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ, अब कोई भी उस पर कॉन्सेप्ट रखा गया है या फिर कोई भी लॉ रखा गया है तो उसको क्या कर देना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, थोड़ा सा उसमें और उसको और अच्छी तरीके से उसका सलूशन निकाल लेना, दैट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड के अंतर आता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स, तो साइंटिफिक मेथड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड, इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं साइंटिस्ट और क्या करते हैं, कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट या फिर कोई एक नया रूल बनाते हैं नेचुरल फिनोमिना का, तो उसमें क्या करता है, जो नया कॉन्सेप्ट नया रूल होता है वही क्या करता है आगे इस पर गवर्न करता है और यही क्या कहलाता है, हमारा साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या हुआ, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया जाता है साइंटिस्ट जो भी किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके बेसिस पर क्या बनाते हैं, कोई एक रूल एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो और भी उसी की तरह और भी नेचुरल फिनोमिना पर क्या करता है, वर्क करता है और यही क्या कहलाता है, हमारा साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, ये आपके सवाल आ रहा होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें मतलब कौन से ऐसे स्टेप हैं जो साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो जैसे इसमें सबसे पहला स्टेप क्या क्या कह सकते हैं कि लार्ज नंबर पर किसी भी नेचुरल फिनोमिना को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे इसको क्या करते हैं कि उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कितने नंबर्स में हैं और क्या क्या और इसमें अलग और क्या क्या अलग चीज़ें इसमें परफॉर्म हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं कि इसमें थर्ड पॉइंट में क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, कि किसी भी मैथमेटिकल टूल का उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी एक नेचुरल फिनोमिना लिया गया और उसमें ऐड किया गया कोई भी, इसके एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर पे खाना बन रहा है तो खाना बनने में आप देखते होंगे कि जब उसमें मसाला ऐड किया जाता है तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है या फिर ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मसाला अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये ज़्यादा सब्जी का जो भी बन रहा है उसमें कुछ अलग टेस्ट आ जाएगा, कुछ अलग फ्लेवर उसमें क्रिएट होगा, तो ये क्या है, ऐसा एज्यूम किया जाता है मैथमेटिकल टूल की वजह से उसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो वही यहाँ पर भी साइंटिफिक मेथड में भी अप्लाई होता है, जैसे कि कोई भी मशीनरी है उसके साथ कोई और मशीनरी ऐड की दी जाए, कंबाइन कर दी जाए तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें क्या करते हैं ऐड करके देखी जाती हैं, तो ये इस तरीके से मैथमेटिकल टूल्स के कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि इसको मैथमेटिकल टूल के वे में इसको यूज किया गया है। और फिर इसके बाद जो भी जैसे कोई एक नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो जैसे जो पुराना कॉन्सेप्ट बन चुका है मैथमेटिकल मेथड साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, जो कोई भी एक पुराना बन चुका है, फिर उसके बाद कोई नया साइंटिस्ट आता है उस पर फिर से स्टडी करता है, रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट लाता है, यानी कि सारी चीज़ें करने के बाद एक नया फ्रेश उसके पास एविडेंस होता है कि ऐसा भी इसमें हो रहा है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो ये जो चीज़ें हैं मॉडिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं ये भी किस में आती है, हमारे साइंटिफिक मेथड में ही आती हैं, ये भी इसी में काउंट होती हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टू क्वेस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन रिडक्टिनिज्म, यही क्या है, हमारे दो बेसिक क्वेस्ट हैं इन फिजिक्स। क्वेस्ट का क्या मतलब है, क्वेस्ट का मतलब है दो खोजें, यानी कि खोज, दो खोजें बेसिक इन फिजिक्स। तो इसमें कौन कौन सी दो खोजें थी हमारी, पहला क्या है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या है रिडक्टिनिज्म। यूनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एकीकरण। एकीकरण मतलब इससे आपके हिंदी बताने का यही मतलब था कि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी इस वर्ड को, इसको कहीं पर भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका कहना क्या ये चाहता है।
तो यूनिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि जो भी बेसिक लॉज हैं या फिर जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो किसी एक ही कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं, यानी किसी एक ही नेचुरल फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करते हैं जो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रेविटेशनल रूल बना दिया, ग्रेविटेशनल हमारा क्या बना गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या फिर जो भी हमारा ग्रेविटेशनल लॉ बनाया गया, तो वो क्या होता है, वो कई ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है, कई वैल्यूज पर वर्क करता है। तो वो क्या है, जैसे एक ही लॉ बनाया गया या फिर कह सकते कोई भी एक ही रूल बनाया गया, वो अलग अलग फिजिकल फिनोमिनास पर क्या करता है, वर्क करता है, गवर्न करता है, वर्क करता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन। वैसे क्या है हमारा दूसरा, क्या है, रिडक्टिनिज्म। रिडक्टिनिज्म का मतलब है कम। कम का मतलब जैसे कि जो यहाँ पर जो बात हो रही है फिजिक्स के टर्म में, वो किसकी बात हो रही है, जैसे माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक नेचुरल फिजिकल फिनोमिनाज हैं उन पर जो वर्क हो रहा है, वो किसके कैटेगरीज में आ जाते हैं, हमारे रिडक्टिनिज्म की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दोनों जो टॉपिक है वो एक साथ उसका नाम रखा है, पर आगे आगे करके बताया। तो उससे इसीलिए हम लोग भी सबसे पहले क्या जानेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स का कहने का क्या मतलब है कि रेंज ऑफ फिजिक्स क्या है, रेंज क्या है फिजिक्स की। तो रेंज क्या है हमारी फिजिक्स की, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े पार्टिकल तक की बात होती है फिजिक्स में। इसको समझने के लिए, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था क्या हमारा, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या था, माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आपको नाम से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो यानी बड़े पार्टिकल्स की बात हो रही है और माइक्रो यानी कि छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो मैक्रो को और अच्छे से किसने समझाया, क्वांटम फिजिक्स में इसको समझा गया है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर जैसे आपकी लैब्स हो गई, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो सारी किस में हमारी होती है, मैक्रोस्कोपिक में। टेरेस्ट्रियल का मतलब जैसे जो हमारे लैंड पर हो रही है जो सारी फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और लॉस पर बेस्ड जो सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं वो किस में आ रही हैं, टेरेस्ट्रियल में आ रही हैं, जो हम आप लोग अपने नेकेड आई से आसपास देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे लेबोरेटरीज में, आप जान ही रहे हैं कि लेबोरेटरीज में फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसके बाद थर्ड किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स में जो चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज पर बेस, कॉन्सेप्ट पर बेस, इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो किसमें आ रही है, एस्ट्रोनॉमिकल्स में आ रही है। तो इन सभी को अच्छे से समझा किसमें जा सकता है, क्वांटम फिजिक्स में, जो कि आप अभी अपने आगे के क्लासेस में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो, मैक्रो फिजिक्स की, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है वो, उसमें क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में आपकी कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक को भी अच्छे से समझने के लिए किसका काम किया गया, क्लासिकल फिजिक्स रखा गया। तो क्लासिकल फिजिक्स में भी कुछ चार पार्ट्स डिवाइड किए गए, जो कि वो भी आप और अच्छे से आगे की क्लासेस में जानेंगे, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है क्योंकि नाम दे रखा है तो थोड़ा बताया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या, सबसे पहली बात जैसे आपका इसमें रखा गया इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स तो उसमें क्या किसकी बात आ रही है, इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात आ रही है। फिर उसके बाद उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद है उसमें आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब कि जैसे आप अपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स में आपने क्या क्या जाना, जैसे लाइट के बारे में आपने जाना, उसमें आपने जाना रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यानी कि आई से रिलेटेड जो चीज़ें, मिरर, फिर उसके बाद लेंसेज, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में जानेंगे और भी अच्छी तरीके से। काफ़ी आपको मज़ा आएगा, काफ़ी आपको नई चीज़ें जानने की मिलेंगी। 10th से 11th की फिजिक्स काफ़ी आपको डिफरेंस मिलेगा, वहाँ पे आप कई नई चीज़ें जानेंगे, कई नई चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। फिर इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं जो आप आगे धीरे धीरे जानेंगे। और इसको अच्छे से समझने के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यूनिवर्स का मास। यूनिवर्स का मास क्या है, यूनिवर्स का मास हमारा 10^55 kg। अब ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये किस में आप रख सकते हैं, इसको किस में, किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी के लिए भी कोई होना चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या क्या हो जाएगा हमारा, 9.1 × 10^-31। तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और यूनिवर्स, तो आप देख रहे हैं एक छोटी चीज़ है एक बड़ी चीज़ है, तो दोनों किस में आ गई, फिजिक्स के अंतर्गत आ गई। तो अब ये कैसे हो गया, मास हो गया। अब इसी इसी तरीके से आप लेंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आप इसमें डिफरेंस बिटवीन आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स
यानी कि फिजिक्स के थ्रू कैसे लोग एक्साइटमेंट होते हैं, यानी कि कैसे एक्साइटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिस्ट है तो जब वो नई डिस्कवरी करता है, कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन करता है, कोई भी नई डिस्कवरी करता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड रहता है कोई भी नई चीज़ को ढूंढने के लिए, और नई चीज़ मिलने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और भी जैसे कई चीज़ें, जैसे बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं फिजिक्स के थ्रू। अब कैसे हो रहे हैं, जैसे कोई भी बच्चा है उसके पास कोई टॉय है, जैसे कार टॉय है, तो कार चल रही है तो आप जान रहे हो उसमें कोई ना कोई फिजिक्स लग रही है, जैसे ग्रेविटेशन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और सारी तमाम चीज़ें, तो उसमें भी क्या हो रही है, फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, यानी वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स काम कर रहा है। और भी जैसे कोई भी नई चीज़ को ढूंढना, कोई भी नया इन्वेंशन करना, नई डिस्कवरी करना, और कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड काम जो आपके आसपास हो रहा है, जिसको देख करके आप खुश हो रहे हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का साइन देती हैं। और इसमें तीन चीज़ें मेन रखी गई हैं, वो क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव थिंकिंग, क्वालिटेटिव थिंकिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन। यानी कि कोई भी, जैसे आपने इसके पहले की क्लास में जाना था कि किसी भी प्रिंसिपल को जब क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, यानी कि उसको क्वालिटेटिव उसमें थिंक किया गया रहता है। क्वांटिटेटिव थिंकिंग यानी कि उसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के हेल्प से उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब जैसे आपके, आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अप्रॉक्स कर लेना, किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से ऐड करना और ऐसा अप्रॉक्स रख देना कि ऐसी वैल्यू आ सकती है, तो वो क्या है, अप्रॉक्सीमेशन इसमें भी परफॉर्म होता है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे रीजनिंग के बेस पर किसी वैल्यू को निकालना, ये सब किसमें, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जब तक फिजिक्स को लेकर के एक्साइटमेंट नहीं होती, तब तक कोई भी एक नई डिस्कवरी नहीं हो सकती, या फिर कोई भी एक नया इन्वेंशन नहीं हो सकता। कोई भी नई चीज़ें आती हैं तो किस पर रहती हैं, फिजिक्स पर बेस्ड। अपने आसपास भी आप देखेंगे तो कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो रहा होगा तो उसमें फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर रहती है, और आगे आप उसको जानते भी रहते हैं कि किस तरीके से ये है। जैसे पहले आप नहीं जान रहे होते कि इसमें फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, पर जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हैं तो आप जानते हैं। जैसे कोई अभी बच्चा था तो उसको वो नहीं जान रहा कि इसमें फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, पर आप जान रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, तो आप जान सकते हैं कि इसमें कैसे फिजिक्स अप्लाई हो रही है। क्या हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो सबसे पहले इसके नाम से हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस नाम से कहने का क्या मतलब है। आप जान रहे हैं फिजिक्स को, आपने इसके पहले के लेक्चर्स में भी जाना, आप बुक पढ़े होंगे तो भी आप जानेंगे कि फिजिक्स क्या कह रही है। फिर उसके बाद फिजिक्स में क्या क्या बताया जा रहा है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि फिजिक्स में क्या हो रहा है, कि किसी भी प्रिंसिपल या किसी लॉस की बात की जा रही है, जो इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है कि किसी लॉज या किसी प्रिंसिपल के थ्रू कोई भी नई टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है या कोई डिस्कवरी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी है उसको क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। जैसे कोई भी एक नया प्रोडक्ट आपके पास आता है या कोई भी एक नई ऐसी इन्वेंशन होती है जिससे आपको या फिर आपके आसपास रह रहे लोगों को हेल्प हो, तो वो क्या करती है, हमारे सोसाइटी को हेल्प करती है। कौन, टेक्नोलॉजी। वो कैसे आई, फिजिक्स से आई। तो इसी चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि फिजिक्स के हेल्प से कैसे टेक्नोलॉजी और कैसे सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो तीनों चीज़ें, यानी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये तीनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं ये कैसे इंटरकनेक्टेड है। और फिर इसके बाद एक लाइन और आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स गिव बर्थ टू द टेक्नोलॉजी। फिजिक्स क्या करती है, एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी गिव अराइजेस टू द न्यू फिजिक्स। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसके बारे में उसके पीछे लग रही फिजिक्स के बारे में नहीं पता होता है, पर प्रोडक्ट आने के बाद उसके बारे में हमको पता चलता है कि इसके पीछे भी कोई फिजिक्स लग रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं स्टीम इंजन का, स्टीम इंजन में क्या हो रहा है, जैसे कोई भी उसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स को हीट किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा है और जो हमारा जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसमें, इसके पहले इसमें कौन सा लॉज फिजिक्स का लग रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, थर्मो का मतलब हीट एंड डायनेमिक्स का क्या मतलब है, एनर्जी। हीट एनर्जी का इसमें काम हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह इसमें ट्रांसफर हो रही है। तो जब इसको इंजन को बनाया गया तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पता था, पर जब इसको बनाने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चल गया, यानी कि टेक्नोलॉजी से एक नई फिजिक्स क्या की, अराइज की। क्लियर। अब इसके बाद फिजिक्स कैसे बर्थ करता है किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, तो उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोई भी एक नेटवर्क का। जैसे आप इस समय कोई भी एक नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी किसी का भी कंपनी का जो टेलीकम्युनिकेशन क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं उसमें दो दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी मैग्नेट।
तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स इसमें अप्लाई होती है, यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके हेल्प से हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फिजिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जुड़ा तो एक क्या बनी, टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी एक नया फ़ोन आया या फिर कोई भी टावर लगा और उससे किसकी हेल्प हुई, सोसाइटी की हेल्प हुई। तो यानी कि ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कोई रिसर्च करता है, कोई भी एक नया रिसर्च करता है या फिर कुछ और नई खोज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी लाएगा, यानी फिजिक्स की हेल्प लेगा। तो यानी कि जब जब फिजिक्स बढ़ेगी, जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो क्या होगा, सोसाइटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। वैसे ही ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो हमारे जो आसपास की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो इंसानों ने क्या दिमाग लगाया इस पे कि फिजिक्स अप्लाई की, यानी कि जो हमारी जो सन आ रही है उसको यूज़ किया, तो सोलर पैनल्स बनाए, उसमें क्या यूज़ किया, सोलर सेल्स का यूज़ किया। तो क्या हुआ, वहाँ पे किया गया, उससे एनर्जी बनी और आज डेली यूजेज में काम आ रहा है। वैसे ही कई और भी एनर्जीज हैं, जैसे आप जान रहे हो कि विंड एनर्जी, जो विंड मील्स होती हैं वहाँ पर पंखे चलते रहते हैं और वहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब एनर्जीज कैसे कैसे कनेक्टेड हुई, पहले किसी ने रिसर्च किया, तो वो क्या किया, फिजिक्स उस पर अप्लाई किया कि उसमें कौन कौन सी फिजिक्स लग रही है, उसमें बायोन्सी अप्लाई हो रही है कि उसमें ग्रेविटी लग रही है, इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो फिजिक्स के बेसिक लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके मदद से क्या बनी, टेक्नोलॉजी बनी और जो आज के सोसाइटी में क्या कर रही है, सबको हेल्प कर रही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में, उसके बारे में बात करेंगे। वो कितने हैं हमारे, फोर हैं। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद फोर के अलावा जो फोर्सेज हैं अलग अलग, वो क्या हैं, इससे डिराइव्ड हुए, यानी कि यहीं से अलग अलग बनाए गए, एक तरीके से कह सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ नई कस्टमाइजेशन करके इसको बनाया गया। जैसे आपने जाना था टेक्नोलॉजी को, आपने जाना था सोसाइटी को, तो उसी तरीके से इन्हीं फोर फंडामेंटल फोर्सेज से नए नए फोर्सेज और भी बनाए गए। तो इन बेसिक फोर फंडामेंटल फोर्सेज को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला फोर्स कौन सा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तीसरे नंबर पर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और फोर्थ नंबर पर हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में जाने से पहले आप फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप जानते होंगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर थोड़ा सा आप जान लेंगे तो क्या होगा, आपका बेसिक फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो फोर्स में क्या होता है, फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जैसे एक तरीके से एग्जांपल की तरफ से अगर हम लोग चलें, तो अगर कोई बॉल है, इस बॉल को क्या किया जा रहा है, अगर पुश किया जा रहा है या फिर इस बॉल को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी कि पुश किया जाए या फिर पुल किया जाए, उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसी तरीके के फोर्स लग रहा है उसमें, जिसकी वजह से वो बॉल क्या हो रही है, पुश हो रही है, पुश किया जा रहा है या फिर पुल किया जा रहा है। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है, हमारा फोर्स कहला रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। इसके बाद बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या क्या इसमें हम लोग जानेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीका ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, किसी भी म्यूचुअल बॉडीज को, यानी कि दो बॉडीज हैं, एक तरीके से म्यूचुअल का कहने का मतलब दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए है, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम बी है, तो उसमें क्या कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा है और बी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो दोनों म्यूचुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके मास, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास कितना है, 50 केजी है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, वो 70 केजी है, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। एक चीज और आप जान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये मीडियम क्या होता है, इनफिनाइट। जब मीडियम की बात आ गई, इनफिनाइट मीडियम की बात हो रही है, तो यह कहां तक अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पूरे होल यूनिवर्स में अप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर आप अर्थ पे हैं तो अर्थ से लेकर के मार्स तक, मून तक, ये पूरे पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसका एग्जांपल लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी अर्थ है,
अब उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून है, उसके साथ साथ घूम रहा है, आप जान रहे हैं। अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होती, आज आपका जो अर्थ का मून है वो कभी मार्स का हो जाता, कभी सन का हो जाता, कभी किसी और प्लेनेट का हो जाता, पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर क्या लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि मास, अब दो म्यूचुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, मून है, अर्थ है हमारा, तो इसमें अर्थ का क्या है, मास ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में, तो मून को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये नहीं कि मून उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, यानी कि एक तरीके से जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास कम रहेगा वो कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्कर है, तो ये कैप है इसका, ये पेन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पर इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो इसमें ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो इसी तरीके से और दूसरा ऑप्शन अगर आप लेना चाहें और अच्छे से समझने के लिए, तो सिंपली ले सकते हैं कि आप अर्थ का ले लीजिए और अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्थ पर आप हैं, तो अर्थ आपका मास ज़्यादा है, अर्थ का मास उससे भी ज़्यादा है, तो उस कंपेरिजन में क्या हो रहा है कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि अर्थ आपको, आप मतलब अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप अगर छत पर चढ़ गए तो अर्थ आपके पास आ गया, आपके पैर के पास आके सट गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आप अगर छत से कूद भी रहे हैं तो आप अर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है कि अर्थ आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मास ज़्यादा है, आपका मास कम है उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके की क्रिया परफॉर्म हो रही है। और एक चीज़ और, ये जो हमारा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बाकी जो तीन फंडामेंटल फोर्सेज हैं उन फोर्सेज से सबसे वीक फोर्स है, यानी कि जो ये फोर्स आप देख रहे हैं, इसकी इतनी फीचर्स हो गई, इतनी सब कुछ चीज़ें हो गई, पर ये क्या है, अभी भी उन तीनों फोर्सेज से क्या है, सबसे वीक है। यानी कि अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में या फिर किसी और फॉर्मेट में, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, क्लियर। और इसमें एक फॉर्मूला बनता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, तो उसमें आप देखते हैं क्या रहता होता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अभी किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ये इसी पूरे ग्रेविटेशनल लॉस पर ही अप्लाई हो रहा है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, तो इसका कुछ ना कुछ मास था, इसका मास मान लेते हैं m1 था, इसका मास मान लेते हैं m2 था, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर डिपेंड क्या करता है कि अगर इसका मास ज़्यादा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मास ज़्यादा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यही यहाँ पर रखा जाता है। इसमें क्या रहता है, एफ फोर्स, कितना फोर्स इस पर लग रहा है, जी, जी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होगी, अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं याद होगा तो आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर। यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखिए, आप वैल्यू भूल जाएंगे चलेगा, क्योंकि जब वैल्यू भूल जाएंगे तो आप यूनिट रखेंगे ही नहीं, तो इसलिए जब आप वैल्यू को याद रखें तो उसके साथ यूनिट को भी याद रखें, क्योंकि यूनिट अगर आप अपने एग्जाम्स में लिखते हैं तो आपके वन मार्क्स हमेशा सिक्योर करते हैं, अगर आप वैल्यू के साथ उसकी यूनिट को भी यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये तो बात हो गई कैपिटल जी की, स्मॉल जी को भी आप जान लीजिए क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि M1 ये हमारा क्या हो गया, M1 हो गया, ये क्या हो गया, और हमारा M2 हो गया, और दोनों के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस R, इसके बाद इसका क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, तो ये क्या हो गया हमारा M1, ये हो गया M2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको आगे और अच्छे तरीके से आप जानेंगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे, तो इसको अच्छे तरीके से आप डीपली जान पाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें और आगे इंक्लूड होने वाली हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें इस पहले इस शब्द को हम लोग दो टुकड़े में करते हैं, करते हैं इलेक्ट्रो और दूसरा करते हैं मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो को समझने के लिए, इलेक्ट्रो का क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात यहां पर की जा रही है, तो उसको समझने के लिए आप जानिए कि कूलम्स क्या है, कूलम लॉ क्या कहता है। क्लास 12th में तो इसके बारे में आप जानेंगे, इसके पूरी डेरिवेशन इस पर बेस्ड है, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स है, पूरी तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप जानते रहेंगे। तो कूलम्स लॉ से आप जानेंगे किस तरीके से चार्ज क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और क्या क्या उसमें और काम हो रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के साथ वर्क कर रहा है, जहाँ पर हमारा क्या कहला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहला रहा है। तो कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि जब भी, यानी कि इसको एज ए डेफिनेशन अगर कहा जाए कि जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होता है, तो क्या होता है उसका द प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि जब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ उसके डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके चार्जेस के। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, इसको आप मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है, दैट इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यहाँ सर के निकलता है। अब इसमें आप देख रहे हैं Q1 Q2 क्या है, वही टू पॉइंट चार्जेस हैं। फिर इसके बाद इसमें K क्या है, K है हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इस K की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसकी भी वैल्यू होती है, आप जान रहे हैं कि पाई की अलग वैल्यू होती है, एप्सिलॉन जीरो की अलग वैल्यू होती है, पर इन टोटल, इस टोटल की वैल्यू क्या होती है, इस टोटल की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, के की वैल्यू है। इसके बारे में आप और भी अच्छे से जानेंगे, इसका डेरिवेशन जब मैं आपको क्लास 12 में बताऊंगा तो काफ़ी आसान तरीके से मैं उसको समझाऊंगा, कि आप एक तरीके से उसको समझिए कि कॉपी और पेस्ट के मेथड्स में डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, जिसमें आप पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लेंगे। एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर भी आप पूरा डेरिवेशन एकदम इजी वे में, यानी कि माइंड समझ लीजिए कि थोड़ा सा ही आप यूज करेंगे और पूरा डेरिवेशन आपका सॉल्व हो चुका रहेगा। तो इस पर हम लोग वहां पर बात करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी मिलती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब कह रहा है, यानी कि जब टू पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, वहां पर कोई भी मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, वो क्या कह रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहला रहा है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में। क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब और इन दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता, अगर इनको अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग फोर्सेस की तरह फॉर्म करेंगे, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से अटैच है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो हमारा जो फोर्स है, ये फोर्स किससे स्ट्रॉन्गर है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। यानी कि कैसे इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब भी कोई दो प्रोटॉन, जैसे कोई हमारा एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो जो दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है वो 10 की पावर 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स क्या रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन सी फोर्स हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या रहती है, 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हमारी अर्थ से, हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10 की पावर 36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर? जब भी दो पॉइंट चार्जेस हैं उनको क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। अब बोर्ड का काम खत्म हो चुका है तो हम लोग अपने नॉर्मल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे। ये दो चीज़ों को बाइंड करता है, ये दो चीज़ों को बाइंड करता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है, इसके फाउंडर्स कौन है, इसकी डिस्कवरी कौन किया है, तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की है। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो मैं एक फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सिखा दे रहा हूं इस चीज़ को, जिससे कभी भी आपको एग्जाम में पूछा, जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम में तो आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, पर जब कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ईटा पर नाचे, ईटा यानी कि ई और टी, ईटा पर नाचे, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन और टी यानी कि थॉमसन, जे जे थॉमसन। ठीक है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन और टी यानी कि जे जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद ईटा हो गया पर का क्या मतलब है, प यानी कि प्रोटॉन और र यानी कि रदर फोर्ट, कौन है, रदर फोर्ट। ठीक है, ये हो गया ईटा पर। अब उसके बाद नाचे, नाचे यानी कि एन से क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन, जो हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन। अच्छे यानी कि चैडविक, जेम्स चैडविक। अब इससे आपको याद रहेगा, अगर आप भूले होंगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आप नहीं भूले होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इस फॉर्मूले से आपको याद रहेगा। और जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे इससे रिलेटेड, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, और इस गलती में रह जाते हैं हम लोग कि इसको हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे होते हैं और डिस्कवरी करने वाले का नाम याद नहीं रह जाता, भूल जाता है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग ये किसके किसके कंपैरिजन में हो सकता है, ये कंपैरिजन में आपके हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक से देखिए नाम पता चला वो वीक है, पर उसके बारे में भी अभी हम और जानेंगे, पर अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तीनों से क्या है,
आप सही सोच रहे हैं, ये तीनों से स्ट्रांग है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये काम कहाँ पर आता है, कहाँ पर ये यूज होता है, कहाँ पर ये फाउंड किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आप जान रहे हैं कि एटम, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि तीन तरीके से यहाँ पर पेयरिंग होती है, एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन की होती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव रिपल्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पर भी वो एक दूसरे को बाइंड रखता है, यानी कि उन दोनों को अलग नहीं होने देता है, एक एक तरीके से दोनों को अच्छे से टाइटली पकड़ करके रखता है कि वो दोनों अलग ना हो। तो ये क्या काम करता है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उन तीनों यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों को अच्छे से टाइटली वो पकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है, जिससे ये तीनों अलग ना हो सके। इसमें देखिए केस ये भी बनता है कि जब हमारा जो प्रोटॉन है वो किसी भी एटम में 83 से ज़्यादा जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव एटम बन जाता है। और जब ऐसे एटम्स मिल करके एक एलिमेंट बना लेते हैं, तो आप जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में एक अलग से चार्ट पूरा बना हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो इस पीरियोडिक टेबल पे भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस पीरियोडिक टेबल में दो अल्फाबेट ऐसे हैं, दो अल्फाबेट ऐसे हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसको जानने के लिए आप हमारे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो इंडिपेंडेंट फोर्स है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ये तीनों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखता है कि ये प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उसको बांध के रखेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है उसको बांध के रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसको थोड़ा सा रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो तीनों को टाइटली बांध करके रखता है। और ये जो फोर्स है ये हमारा, ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स रहता है इन तीनों को कंपैरिजन में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, ये हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने वीक न्यूक्लियर फोर्स के पास। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या कहता है और कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसमें और चीज़ें हैं इसमें हम लोग जानते हैं। तो वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है ये पहले आप जान लीजिए काफ़ी रेयर फोर्स है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम आपको मतलब पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में और आगे। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, जब भी कोई न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कोई भी न्यूक्लियर डिके होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इमिट करता है, वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और अनचार्ज पार्टिकल्स को, वो क्या करता है, इमिट करता है न्यूक्लियर डिके से। तो वहाँ पर क्या होता है, जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन अनचार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनोज उसको कहा जाता है। और जो इसकी रेंज होती है, उसकी रेंज क्या होती है, 10^-16 मीटर्स। मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बताना भूल गया था, तो उसकी रेंज क्या होती है, 10^-15 मीटर्स, वो किसकी है, स्ट्रॉन्ग की है। और वी की क्या है, 10^-16 मीटर्स, इसको याद रखिएगा। इस टॉपिक में एक बात और आती है क्वार्क की, तो इसको आप और अच्छे से जानेंगे क्लास 12th में, पर बेसिक मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो प्रोटॉन है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा न्यूट्रॉन है, वो किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। कैसे, क्योंकि जो क्वार्क है वो हमारा यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर आप इसके बाद 12th में और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वीक न्यूक्लियर फोर्स में हमारा सिर्फ इतना ही था कि इसकी क्या रेंज है, कहाँ से ये निकल रहा है, और क्या क्या इसमें इमिट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन और हमारा अनचार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज। टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो यूनिफिकेशन का क्या मतलब है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी कि किसी भी दो फोर्सेस को एक लॉ के साथ यूज कर लेना, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन दे रखे हैं, तो वहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में
हो क्या रहा है आखिर। तो यूनिफिकेशन फोर्सेस में सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आइजैक न्यूटन का, जो कि उन्होंने 1687 में बताया था कि अगर कोई भी दो फोर्सेस हैं, जैसे कि मास और एनर्जी को जब क्या किया, इक्विवेलेंस किया, उसको इक्विवेलेंस करने के बाद जब उन्होंने क्या किया, उसको यूनिफाइड किया, तो वहाँ से जो उसके फोर्सेस थे और उसके बाद जो उसके टाइम स्पेस था, उन सारी चीज़ों को एक किया गया। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटेशन के थ्रू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने इस सारी चीज़ों को एक किया। तो यानी कि किसी भी एक लॉ पर, जैसे इसमें क्या बात की, ग्रेविटेशन यानी मास और एनर्जी से ग्रेविटेशन से कनेक्ट किया उन्होंने, ग्रेविटेशनल लॉ से उसको कनेक्ट किया। मास अलग है और एनर्जी अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग क्या है, हमारे सिस्टम्स हैं, उनको एक मिलाया, एक फॉर्मूले मिलाया, एक लॉ मिलाया, तो वो क्या कहलाया, हमारा यूनिफिकेशन कहलाया। क्लियर। इसके बाद अगर इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने फिजिकल लॉ पर, यानी कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। इसमें क्या कह रहा है, फिजिकल लॉ होता क्या है। तो फिजिकल लॉ को समझने के लिए आप देखिए कि फिजिकल लॉ कहना क्या चाहता है। फिजिकल लॉ कहना चाहता है कि किसी भी प्रोसेस को जो आपके आसपास हो रहा है, उसको किसी एक ऐसे टर्म में आप उसको रखिए जो सबको समझने में आसानी हो। सबको समझने में आसानी हो का क्या मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में यानी कि अगर आप यहाँ पर हैं, आप अपने आसपास के लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझा सकते हैं, पर अगर कोई दूसरे कंट्री का है या फिर किसी पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज रहेगी कि उसको आप कोई भी एक ऐसा जो लॉ है उसको समझा सकें। तो उस लैंग्वेज में आती है हमारी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के टर्म पर जब आप उसको समझाते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रूव हो जाता है, आपका साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि ये जो आप बता रहे हैं, जो भी फिजिकल फोर्सेस हैं नेचर के थ्रू, वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू। मैथमेटिक्स के थ्रू ही क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में आप एक ही चीज़ को समझा सकते हैं। यही एक लैंग्वेज है जिससे आप पूरे सबको समझा सकते हैं, पूरे सिस्टम को समझा सकते हैं कि किस तरीके से इसमें चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो ये क्या था, हमारा फिजिकल लॉ था, फिजिकल लॉ के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, अब इसके अंदर आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ की, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अगर फिजिक्स का प्रोसेस अप्लाई हो रहा होता है, तो आप जानते हैं कि उसमें कोई ना कोई डिफरेंट तरीके फोर्सेज अप्लाई हो रहे होते हैं। कोई भी अगर फिजिक्स का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सम फिजिकल क्वांटिटीज़ भी अप्लाई हो रही होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ अप्लाई हो रही होती हैं वो क्या होती हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, यानी कि वो कैसे रहती हैं, कॉन्स्टेंट वैसी बनी रहती हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, कंजर्व क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इन क्वांटिटीज़ को जो लॉ गवर्न करता है, उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमारे चैप्टर में 4 लॉज दिए हुए हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला लॉ क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फोर्थ क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताया गया कि एनर्जी क्या, एक ऊर्जा है। और आप लोग जानिए कि एनर्जी अगर किसी भी फॉर्म में अगर यूज़ हो रही है, तो वो क्या होगी, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कभी भी क्रिएट नहीं होगी। तो यही चीज़ इसमें बताई गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही, कंजर्व हो रही है। कैसे कंजर्व हो रही है, अब इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एनर्जी है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, इट्स सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी कि अगर आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में एनर्जी बनती है, फॉर्म होती है एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो फूड से आ रही है, फूड से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी से आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, फूड से आपके अंदर ट्रांसफर हुई है, और फिर आपके अंदर से किसी वर्क में ट्रांसफर हुई, उस वर्क से कोई ना कोई आउटपुट मिला, उस आउटपुट में एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो यानी क्या हो रही है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो कभी भी क्रिएट नहीं हो रही है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली ट्रांसफर हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई भी बॉल है किसी बिल्डिंग से गिर रही है। इसके पहले की क्लासेस में आपने इस तरीके काफ़ी क्वेश्चंस भी देखे होंगे, और इसलिए इसको समझना आपके लिए आसान रहेगा। जैसे कोई भी बॉल गिर रही है तो उस पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है। तो जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है, आप जान रहे हैं उसमें क्या अप्लाई होने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होने लग जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो पूरा सिस्टम रहेगा यानी कि जो इसका आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी फॉर्म कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगा कांस्टेंट बना रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं वो क्या रहेगा जीरो रहेगा जब तक उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं की जाएगी। जैसे वैल्यू पुट की जाएगी तो वो उस तरीके का फॉर्म अलग अलग बन जाएगा। तो इसके जैसे हम लोग और क्या कह सकते हैं कि आप ये देखिए कि कोई भी अगर एनर्जी है वो क्या हो रही है, सिंपली ट्रांसफर हो रही है और कोई बात इसमें नहीं है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, या फिर एक कह सकते हैं कि आप एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है MgH, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ग्रेविटी क्या है हमारी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हमारी क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एम से मास और वी से वेलोसिटी। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार आपका रिवीजन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसमें भी मैंने बात की आइसोलेटेड सिस्टम में, तो ये आपका डाउट बन सकता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा टर्म है, इसमें इसमें क्या बात हो रही है, और आगे भी इसकी बात होती रहेगी। तो इसको आप जान लीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी कि जब भी कोई दो फोर्सेस को क्या किया जाए, असेंबली की जाए, यानी कि दो फोर्सेस या फिर कह सकते हैं कि दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज की जब असेंबली होती है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो एट दैट टाइम वहां पर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। इसके इसको समझने के लिए एग्जाम्पल का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे कोई गन है, तो गन जब तक फायर नहीं हुई, जब उसमें बुलेट लोड की गई है पर उसमें कोई भी फायर अभी उसको नहीं किया गया है, तो एट दैट टाइम उसका क्या रहेगा, जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा। पर जब गन को ट्रिगर किया जाता है, फिर जब उसको फायर किया जाता है, तो जो बुलेट होती है काफ़ी लार्ज वेलोसिटी से क्या जाती है, फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ती है, और जो हमारी जो गन होती है वो किस तरफ जाती है, सच ए स्मॉल वेलोसिटी के साथ वो बैकवर्ड होती है। ठीक है, तो एट दैट टाइम जो हमारा जो फाइनल मोमेंटम होता है, जो फाइनल मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वहां से हमें क्या पता चलता है, जो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है यानी कि उसका क्या कहने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में यानी कि अगर वो पहले रेस्ट में था तो वो इसी उसी तरीके से फिर दोबारा क्या हो गया है, रेस्ट में हो गया है। वहां पर जो मोमेंटम था वो क्या रहा हमारा, जीरो रहा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग जान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप जान रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे आपने लीनियर में जाना था, स्ट्रेट लाइन थी, वैसे ही एंगुलर में क्या हो रहा है, रोटेशन से रिलेटेड सारी बातें इसमें हो रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसके पास क्या हो गया, रोटेशनल इनर्शिया हो गई। रोटेशनल इनर्शिया हो गई तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एसोसिएटेड है मोमेंटम से, और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। क्लियर। अब इसमें इनर्शिया की बात आ गई, अगर आप इनर्शिया जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इनर्शिया नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो उसमें बात हो रही थी कि इनर्शिया की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करते रहना चाहता है। अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर नहीं एक्ट होता है, इसके सिस्टम पर, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम है, आई क्या है हमारा, इनिशियल मोमेंटम है, और जो ओमेगा है यानी कि जो डब्ल्यू की तरह है पर उसका जो डब्ल्यू है वो थोड़ा इनवर्ड हो रखा है, उसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, वो क्या है हमारा, एंगुलर स्पीड। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं टॉर्नेडो से, टॉर्नेडो, क्योंकि देखिए इसमें रोटेशन की बात हो रही है तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आप जानने से गोल गोल घूमता है, काफ़ी उसमें हॉट एयर रहती है और उसकी एयर क्या रहती है, अपसाइड डाउन हो रही होती है, जो उसका इनिशियल मोमेंटम होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, जिससे उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या किस पे कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम पर। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, यानी कि अब हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्ज। अब चार्ज में किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है कि कोई भी चार्ज क्या है वो नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो रहा है सिर्फ सिंपली ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जैसे कि हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी सेम वैसे ही हमारा जो चार्ज है वो भी ट्रांसफर हो रहा है वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसके पहले भी इस एग्जांपल को आप जानते हैं, अब मैं बताऊंगा तो आप फिर से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आप कनेक्ट कर सकेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप इसको कनेक्ट कर सकेंगे। वो एग्जांपल क्या है हमारा, रॉड का और सिल्क क्लॉथ का है। आपको याद ही आ गया होगा कि रॉड को और सिल्क क्लॉथ को जब हम लोग रब करते हैं तो उसमें क्या होते हैं चार्ज बन जाते हैं। वो चार्ज कैसे बन रहे होते हैं, क्योंकि जब उसको आप रॉड को क्या करते हैं सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे होते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं तो एनर्जी जो है आपकी उसमें ट्रांसफर होती है जो चार्ज के फॉर्म में बनती है। फिर जब रॉड को आप किसी पेपर के पास जाते हैं तो वहां से जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है उस पेपर में, वो पेपर उस रॉड की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस एनर्जी का है, चार्ज का है। तो इसमें क्या होता है ये ट्रांसफर होती है सिर्फ, कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कहीं भी क्रिएट नहीं होती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक सिंपली क्या हो रही होती है ट्रांसफर होती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड सिमेट्रीज इन नेचर। सिमेट्रीज इन नेचर का कहने का क्या मतलब है, सिमिलैरिटीज की बात हो रही है। सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सिमिलैरिटीज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में और नेचर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, इसके बीच में हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों से रिलेशन यहाँ पर बताया जा सकता है, जो कि क्या हमारा स्पेस, टाइम और डायरेक्शन। स्पेस, टाइम और डायरेक्शन अगर ये आपको भूल भी जाता है तो आप इसको याद कर सकते हैं STD, STD कॉल्स होती है ना, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि STD कॉल से हमारा क्या था यहाँ पर रिलेशन निकल रहा था। क्या रिलेशन निकल रहा था, स्पेस का, टाइम का और डायरेक्शन का। अब इसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि स्पेस में किस तरीके से रिलेशन निकल रहा है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। तो स्पेस यानी कि अगर जैसे इसके पहले का जो हम लोग क्या किए थे, एक एग्जाम्पल देखे थे चार्ज का एग्जाम्पल देखे थे, तो उसमें क्या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, अगर वो एक्सपेरिमेंट हम लोग कहीं पर भी परफॉर्म करें, कहीं पे भी परफॉर्म करें, यहाँ पर परफॉर्म करें, कहीं और परफॉर्म करें, तो उसमें क्या कोई चेंज आएगा, क्या उसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि वहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारा, देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल से, किस एग्जाम्पल से मैंने उसको रिलेट कराया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कराया। तो जो कि एनर्जी और चार्ज में सेम ही चीज़ परफॉर्म हो रही थी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो हमारा स्पेस का टाइम है, यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किससे डिनोट कर रही हैं, फिर किससे सिमिलर हो रही हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिमिलरिटीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। ये तो हो गया हमारा स्पेस का। अब हम लोग बात आती है टाइम की। अब टाइम में भी अगर आप देखना चाहें तो यही सेम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सेम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आज जो एक्सपेरिमेंट आपने ये किया रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, अगर यही एग्जांपल आप 2, 3 या 4 साल बाद, यानी कि हर साल अगर आप ये एग्जांपल उसी सेम जगह पर उसी सेम टाइम में करते हैं अगर, तो क्या उसमें कोई, उसके रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो जो जैसे वो आज परफॉर्म हो रहा है वैसे ही 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद भी वैसे ही वही उसका रिजल्ट निकलेगा। तो यानी कि वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर जब कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कोई भी चेंज ना आने वाला कौन सा हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वो क्या रहता है कि स्ट्रेट लाइन, यानी आज इधर परफॉर्म किया, उधर परफॉर्म किया, कहीं भी परफॉर्म किया, उसमें क्या रहा, लीनियर रहा वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात आते हैं कि इस पर डायरेक्शन की। तो आप यूनिवर्स में देखेंगे, कोई भी ऐसी प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है जहां से आप एंगुलर मोमेंटम को राइज कर सकते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या कहीं भी ऐसे रोटेट हो रहा है, कहीं भी फॉर्म हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यूनिवर्स में भी हमारी अर्थ है, सन है, या फिर आप देखेंगे कई भी ऐसे अदर प्लैनेट्स हैं, या फिर कोई भी बॉडी है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये क्या हमारा डायरेक्शन, कोई भी ऐसी कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं, वो हर जगह एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो किससे रिलेट कर गया, सिंपली ये हमारे किससे आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन रिलेशनशिप आप बताइए किसके किसके बीच, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बीच और आप बताइए कि सिमेट्रीज ऑफ नेचर या सिमेट्रीज इन नेचर, तो आपके पास क्या रहेगा, STD। STD से आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है सिमिलरिटीज आपको इसमें बतानी। क्लियर,
इससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस को जानने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे सिस्टमैटिक किसी चीज का क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बेसिस पर कुछ नॉलेज को किया गया, कुछ रीजनिंग उसमें की गई, तो वहां से जो हमारे जो नेचुरल फिनोमेना की जो भी नॉलेज ऑब्टेन हुई वो क्या कहलाई, वो साइंस के अंतर्गत आई। यानी कि अगर इसको डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज व्हिच इज ऑब्टेंड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट किए गए एंड इसके बाद कह सकते हैं कि एक्यूरेट रीजनिंग। एक्यूरेट रीजनिंग तो इन सारे बेसिस के तौर पर क्या निकला, हमारा साइंस निकला। और इसके बाद इसके दो पार्ट्स निकले, दो पार्ट्स डिवाइड किए गए साइंस को। इसमें जो आगे हमें जाना है वो कौन-कौन से हैं, कि बायोलॉजिकल साइंस और हमारा कौन सा फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो था, तो बायोलॉजिकल साइंस में किससे डील करा था, बायोलॉजिकल साइंस बिहेवियर से डील करा था किसी भी लिविंग थिंग से। जैसे कोई भी लिविंग थिंग से हम हैं, आप हैं, या कोई भी जानवर है, कोई प्लांट है, तो बायोलॉजिकल जो है वो किससे डील करा था, किसी भी लिविंग थिंग के बिहेवियर से डील करा था। तो इसमें क्या चीजें इंक्लूड हुई, जैसे कि आप जानते हैं इसमें बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद जैसे और भी इसे तमाम जैसे फॉरेंसिक साइंस, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है हमारी बायोलॉजिकल साइंस में। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस भी किसी प्रकार से था, और इसके भी दो पार्ट्स किए गए, दो पार्ट्स किए गए। तो उसमें पहला पार्ट था हमारा फिजिक्स और दूसरा पार्ट था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो डील हुआ था, केमिस्ट्री में डील हुआ था सबसे उसके कंपोजिशन से, यानी सबसे उसका कैसे स्ट्रक्चर है और फिर उसके स्ट्रक्चर में कैसे कंपोजिशन है, ये केमिस्ट्री में डील चली थी। फिर उसके बाद फिजिक्स जो हमको इसमें पढ़ना है, तो जो क्लास 10 तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, साइंस पढ़ा, तो आपने सारे साइंस में कंबाइन पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10 तक आपने इसे कंबाइन पढ़ा था। पर 11th में क्या होगा, 11th में आपकी फिजिक्स अलग हो जाएगी, बायो अलग हो जाएगा और केमिस्ट्री अलग हो जाएगा। तो जो बच्चे क्या ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, तो वो बायो नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग स्ट्रीम बन जाएगा, वो क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जो बच्चे बायो ले रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। तो यहां से जो साइंस का क्या अलग अलग हो गया, कोई किसी में चला फिजिक्स सेक्शन में, कोई केमिस्ट्री सेक्शन में चला गया। तो यहां पर जो फिजिक्स जो वर्ड था, फिजिक्स जो वर्ड था वो कहां से लिया गया, ग्रीक से लिया गया था, और इस वर्ड को किसने, इसको किसने नाम दिया था, एरिस्टोटल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 350 BC में फिजिक्स नाम रखा था। इसका क्या मतलब निकलता है, फिजिक्स का मतलब निकलता है कि नेचर, यानी कि फिजिक्स भी किसे डील कर रहा है, कि नेचर की चीजों से डील कर रहा है। इसमें कौन-कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे इसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, या फिर और इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें आती हैं हमारी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। क्लियर? और आगे हम लोग और भी जानेंगे फिजिक्स के बारे में और क्या-क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद इसकी बात आती है, इसके बाद बात आती है कि हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट का कैसा एटीट्यूड होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है छोटा सा पॉइंट। तो उसको हम लोग जानते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, यानी कि ऐसा एटीट्यूड जो किसी भी चीज को जैसे थिंकिंग, जैसे जैसे कोई बच्चा होता है, जानते हैं कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, तो काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है, ये चीज कैसे हो रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है, ये बल्ब क्यों जल रहा है, कार जा रही है या ट्रक जा रही है, उसमें भी बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, हमारे घर में तो वायरस दिख रही है, वायरस जल रहा है, उसमें वायर नहीं दिख रही, सारे तमाम जो सवाल होते हैं, फिर उनके जो जवाब होते हैं, तो ये इस तरीके से जैसे बचपन में कहता है साइंटिफिक एटीट्यूड रहता है, धीरे 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 वो कम होता जाता है, और जो लोग के अंदर काफी ज्यादा रहता है वो आगे जाकर साइंटिस्ट बन जाते हैं, ऐसा मतलब अपने बिहेवियर के चलते। क्योंकि उसमें कहता है काफी रीजनिंग, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई उस पर कांसेप्ट रखा गया, या फिर कोई लॉ रखा गया, तो उसको कहता है थोड़ा मॉडिफाई करना, थोड़ा उसमें और उसको और अच्छी तरीके से उसका सलूशन निकालना, जैसे साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर आता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या है, कि साइंटिफिक मेथड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं साइंटिस्ट, और क्या कहते हैं, कोई भी नया कांसेप्ट, कोई नया रूल बनाते हैं नेचुरल फिनोमेना का, तो उसमें क्या कहता है, जो नया कांसेप्ट, नया रूल होता है, वही क्या कहता है, आगे इस पर गवर्न करता है, और यही क्या कहलाता है हमारा साइंटिफिक मेथड कहलाता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिर से आपको बता देता हूं, कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ये साइंटिस्ट जो भी किसी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी कर रहे थे, तो उसके बेसिस पर क्या बनाते हैं, कोई एक रूल, एक कांसेप्ट बनाते हैं, जो और भी उसी की तरह और भी नेचुरल फिनोमेना पर क्या करता है, वर्क करता है, और यही क्या कहलाता है हमारा साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो इसमें जो स्टेप्स आपके सवाल आ रहे होंगे, स्टेप्स क्या है, इसमें मतलब कौन से ऐसे स्टेप है जो साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला स्टेप क्या कह सकते हैं, कि लार्ज नंबर पर किसी भी नेचुरल फिनोमेना को जाकर स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट उसको क्या कहते हैं, कि उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं, यानी कि उसमें क्या-क्या क्वालिटीज हैं और कितने नंबर्स में हैं, और क्या-क्या और इसमें अलग और क्या-क्या अलग चीजें इसमें परफॉर्म होती है, वो सारी चीजें इसमें देखते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं, कि इसमें थर्ड पॉइंट क्या होता है, साइंटिफिक मेथड में किसी भी मैथमेटिकल टूल का उसमें यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी एक नेचुरल फिनोमेना लिया गया, उसमें ऐड किया गया कोई भी, इस एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर पे खाना बन रहा है, तो खाना बन रहे में आप देखते हैं कि जो उसमें मसाला ऐड किया जाता है, मसाला ऐड किया जाता है, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है, या फिर ऐसा एज्यूम किया जाता है, कि मसाला अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये ज्यादा सब्जी का जो भी बन रहा है उसमें कुछ अलग टेस्ट आएगा, कुछ अलग फ्लेवर उसमें क्रिएट होगा, तो ये क्या है, ऐसा एज्यूम किया जाता है मैथमेटिकल टूल की वजह से, उसमें ऐड कर दिया, सब्रा करके। तो वही यहां पर भी साइंटिफिक मेथड में भी अप्लाई होता है, जैसे कि कोई भी मशीनरी है, उसके साथ कोई और मशीनरी ऐड की जाए, कंबाइन कर दी जाए, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें करते हैं, ऐड करके देखी जाती है। तो ये इस तरीके से मैथमेटिकल टूल्स के कांसेप्ट में आ जाता है, कि इसमें मैथमेटिकल टूल के वे में इसको यूज किया गया। और फिर इसके बाद जो भी जैसे कोई एक नया जैसे नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो जैसे पुराना कांसेप्ट बन चुका है मैथमेटिकल मेथड साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जो कोई भी एक पुराना बन चुका है, फिर उसके बाद कोई नया साइंटिस्ट आता है, उसको फिर से स्टडी करता है, रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये सारी चीजें करने के बाद एक नया कांसेप्ट आता है, यानी कि सारी चीजें करने के बाद एक नया फ्रेश उसके पास एविडेंस होता है, कि ऐसा भी इसमें हो रहा है, यानी कि इस कांसेप्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये जो चीजें हैं मॉडिफिकेशन वाली चीजें हैं, ये भी जानते हैं हमारे साइंटिफिक मेथड में ही आती है, ये भी इसमें काउंट होती है। इसके बाद हम लोग जाते हैं कि टू क्वेश्चन इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन, रिडक्टिविज्म, यही क्या है हमारे दो बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन मतलब है दो खोजें, यानी कि खोज, दो खोजें बेसिक इन फिजिक्स, उसमें कौन-कौन सी दो खोजें थी, हमारे पहला क्या यूनिफिकेशन, दूसरा क्या है रिडक्टिविज्म। यूनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एकीकरण, एकीकरण मतलब इसे आपके हिंदी बताने का ये मतलब है, कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी इस वर्ड को, इसको कहीं पर लिखा नहीं है, आपको समझना कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका कहना क्या चाहता है। तो यूनिफिकेशन में बता सकते हैं कि जो भी बेसिक लॉज या फिर जो भी रूल्स बनाए गए हैं, वो किसी एक ही कांसेप्ट पर वर्क करते हैं, किसी एक ही नेचुरल फिजिक्स फिनोमेना पर वर्क करते हैं, जो ऐसे रूल बनाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रेविटेशनल रूल बना गया, ग्रेविटेशनल हमारा क्या बना गया, ग्रेविटेशनल कांसेप्ट, या फिर जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ बना गया, तो वो क्या होता है, कई ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है, कई वैल्यूज पर वर्क करता है, तो क्या जैसे एक ही लॉ बना गया, या फिर कोई भी एक ही रूल बना गया, वो अलग अलग फिजिकल फिनोमेना पर क्या करता है, वर्क करता है, गवर्न करता है, वर्क करता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन। वैसे क्या हमारा दूसरा रिडक्टिविज्म, रिडक्टिविज्म का मतलब है कम, कम का मतलब जैसे कि जो यहां पर जो बात हो रही है फिजिक्स के टर्म में, वो किसी बात हो रही है जैसे माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक नेचुरल फिजिकल फिनोमेना है, उन पर जो वर्क हो रहा है वो किसी कैटेगरी में आ जाता है हमारे रिडक्टिविज्म की कैटेगरी में आ जाता है। जैसा कि आप चैप्टर में देखा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दोनों जो टॉपिक है वो एक साथ उसका नाम रखा है, पर आगे आगे बताते हैं, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, उसके बाद हम जाएंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का कहने का मतलब है कि रेंज ऑफ फिजिक्स क्या, रेंज क्या है फिजिक्स की, तो रेंज क्या हमारी फिजिक्स काफी ज्यादा है, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल तक की बात होती है फिजिक्स में। इसको समझने के लिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, पहला पार्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक और दूसरा क्या था माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आपको नाम से डिफरेंस समझ आ रहा होगा, कि माइक्रो यानी बड़े पार्टिकल्स की बात हो रही है, माइक्रो यानी छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो माइक्रो को और अच्छे से कौन किसे समझाया, क्वांटम फिजिक्स को समझा गया, और इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसके अंदर जैसे आपकी लैब्स हो गई, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें हैं, वो सारी इसमें माइक्रोस्कोपिक में। टेरेस्ट्रियल का मतलब जैसे जो हमारे लैंड पर हो रही है, जो सारी फिजिक्स रिलेटेड कांसेप्ट और लॉस पर बेस्ड सारी फिजिक्स रिलेटेड हो रही है, उसमें टेरेस्ट्रियल यानी हम लोग अपने नेकेड आई से आसपास देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे लैबोरेटरीज में जाने के लैबोरेटरीज फिजिक्स रिलेटेड काफी सारी चीजें चल रही हैं, और फिर उसके बाद थर्ड किसका एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यानी यूनिवर्स में, यूनिवर्स में जो चीजें फिजिक्स रिलेटेड हो रही है, फिजिक्स के फार्मूलास पर बेस्ड कांसेप्ट पर बेस्ड, इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड सारी चीजें हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल्स में आ रही हैं। तो इन सभी को अच्छे से समझ में सकता है क्वांटम फिजिक्स में, जो अभी अपने आगे क्लास में जानेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो, मैक्रो फिजिक्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है, वो उसमें क्या छोटी छोटी चीजों की बात हो रही है, जैसे कि छोटी छोटी चीजें कौन सी जैसे कि एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक को भी अच्छे से समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स रखा गया, तो क्लासिकल फिजिक्स में भी कुछ चार पार्ट्स डिवाइड किए, जो कि वो भी आप और अच्छे से आगे क्लास में
जाएगा
कंपैरिजन में, तो मून को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि मून उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर उसका जो काफी कम है, यानी कि एक तरीके से जिसका मास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास कम रहेगा वो कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्कर है, तो ये कैप है, इसका ये पेन है, तो ये दोनों भी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पर इसका मास ज्यादा, इसका मास कम है, तो इसमें ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरीके से और दूसरा ऑप्शन लेना है और अच्छे से समझेंगे, तो सिंपली ले सकते हैं, अर्थ का लीजिए, अपना एग्जांपल लीजिए, अर्थ पर आपने, तो अर्थ आपका मास ज्यादा है, अर्थ मास उससे ज्यादा है, तो उस कंपैरिजन में क्या हो रहा है, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको, मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको छत पे चढ़ गए तो अर्थ आपके पास आ गया, आपके पास आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, आपको छत से कूद भी रहे हैं तो आप अर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है कि अर्थ आपके तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मास ज्यादा है, आपका मास कम है, उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके की क्रिया परफॉर्म हो रही है। और एक चीज और, ये जो हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बाकी जो तीन फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस से सबसे वीक फोर्स है, यानी कि जो ये फोर्स आप देख रहे हैं, इसकी फीचर्स होगी, इसकी कुछ चीजें होगी, पर ये अभी भी उन तीनों फोर्सेस से क्या है, सबसे वीक है, यानी कि अगर आप कंपैरिजन पूछ लेता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर किसी और फॉर्मेट में, तो बता सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। और इसमें फार्मूला बनता है ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें देखते हैं क्या होता है कि F=gm1m2r2, अभी किस तरीके से अप्लाई हो रही है, इसी को ग्रेविटेशनल लॉ पर अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, तो इसका कुछ ना कुछ मास था, इसका मास मान लेते हैं m1 था, इसका मास मान लेते हैं m2 था, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, पर डिपेंड करता है कि इसका मास ज्यादा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसका मास ज्यादा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो यहीं यहां पर रखा जाता है, इसमें क्या होता है, फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, जी, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होगी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, नहीं याद होगा तो आपको मैं फिर से बता देता हूं, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹² पर kg², यूनिट फॉर्मेशन है, क्या वैल्यू भूल जाएंगे चलेगा, क्योंकि जब वैल्यू भूल जाएगा तो यूनिट रखेंगे नहीं, इसलिए जब वैल्यू याद रखें तो उसके साथ यूनिट को याद रखें, क्योंकि यूनिट अगर आप एग्जाम्स में लेते हैं तो आपके 1 मार्क्स हमेशा सिक्योर करते हैं, अगर आप वैल्यू के साथ उसकी यूनिट को भी यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये बात होगी कैपिटल जी, इस जी को जानने दिया है 9.8 m/s² मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इसके बाद देख सकते हैं कि m1 हमारा क्या m1 हो गया, और दोनों के बीच क्या डिस्टेंस r, इसके वजह से कट गया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमारा m1 हो गया m2 और दोनों के बीच डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसी तरीके से इसको आगे और अच्छी तरीके से जानेंगे और क्लास में जाएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से डीपली जानकारी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या-क्या चीजें और क्या-क्या चीजें और आगे इंक्लूड होने वाली है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इस पहले शब्द को हम लोग दो टुकड़े में करते हैं, इलेक्ट्रो और दूसरा करते हैं मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रो को समझेंगे, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की जा रही है, तो उसको समझने के लिए आप जानेंगे कि कूलम्ब क्या है, कूलम्ब लॉ क्या कहता है, क्लास में तो उसके बारे में जानेंगे, इसकी पूरी डेरिवेशन पर फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल से पूरी तमाम चीजें, तो यहां पर थोड़ा सा जानते हैं कूलम्ब लॉ से जानेंगे किस तरीके से चार्ज का कन्वर्ट हो रहा है और क्या उसमें और काम हो रहा है, जिसे वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के साथ वर्क कर रहा है, जहां पर हमारा क्या कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहला रहा है। तो कूलम्ब लॉ क्या कह रहा है कि जब भी, यानी कि इसको एज अ डेफिनेशन रखा जाए कि जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होता है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि किसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम उसके चार्जेस से, तो यहां से हमारा निकल जाता है, फार्मूला निकल जाता है, वो फार्मूला हमारा क्या है, इसको मैं यहां पर नोट कर देता हूं, f = हमारा फार्मूला है, दैट इज a Q1 Q2 r2, ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। अभी आप देख रहे हैं Q1 Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या है, हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/4π0, अब इसकी वैल्यू क्या जान रही है, पाई की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, और इन टोटल की वैल्यू होती है, टोटल की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹ N, ठीक है, ये क्या है, की वैल्यू है, इसके बारे में और अच्छे से जाने, इसका डेरिवेशन जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, तो काफी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप एक तरीके से इसको समझिए, कॉपी और पेस्ट के मेथड में डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, जिसमें आप पूरा पूरा डेरिवेशन करेंगे, एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो वहां पर पूरा डेरिवेशन एकदम इजी है, यानी कि माइंड समझ लीजिए थोड़ा सा अभ्यास करके पूरा डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो इस पर हम लोग वहां पर बात करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी मिलती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि टू पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, वहां पर कोई मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहला रहा है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में, क्लियर हो गई बात, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब और दोनों अलग नहीं कर सकता, इनको अलग-अलग करेंगे तो अलग-अलग फोर्सेस की तरह फॉर्म करेंगे, यानी कि क्या है, एक दूसरे से अटैच है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, और एक चीज और जानिए कि ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स किससे स्ट्रांगर है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये स्ट्रांगर फोर्स है, यानी कि कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं जब भी कोई दो प्रोटॉन, जैसे कोई हमारा आइटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है, वो 10^10 times, यानी कि 10 times क्या रहती है, ज्यादा स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सी फोर्स हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या रहती है 10 times ज्यादा स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा एग्जांपल करना चाहिए, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारी अर्थ से, हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे 10^36 times ज्यादा स्ट्रांग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां से बात क्लियर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्लियर, जब भी दो पॉइंट चार्जेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, वो काम खत्म हो चुका है, हम लोग अपने नॉर्मल बैकग्राउंड पर, जिसमें हम किस बारे में जानेंगे, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे, ये दो चीजों को बाइंड करता है, ये दो चीजों को बाइंड करता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है, इसके फाउंडर्स कौन है, डिस्कवरी कौन किया, तो मैं बता दूं, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो मैं फॉर्मूले के बेसिस पर आपको सिखा दे रहा हूं, जिससे कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, अभी बोर्ड एग्जाम में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, और जब कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जवाब बैठेंगे तो वहां पर आपसे पूछा सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ईटा पर नाची, ईटा यानी ई और टी, ईटा पर नाची यानी इलेक्ट्रॉन, और टी यानी थॉमसन, जी जी थॉमसन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी जी जी थॉमसन, ठीक है, उसके बाद ईटा हो गया पर क्या मतलब है, पर यानी प्रोटॉन, पर यानी रदरफोर्ड, कौन है रदरफोर्ड, ठीक है, क्योंकि ईटा पर, अब उसके बाद नाची, नाची यानी एन से क्या है, न्यूट्रॉन, हमेशा कहते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अच्छी यानी कि चैडविक, जेम्स चैडविक, अब इसे आपको याद रहेगा, अगर आप भूलेंगे तो आपको याद जाएगा, अगर नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इस फॉर्मूले से आपको याद रहेगा, जब भी कंपटीशन बैठेंगे, इससे रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, और इस गलती में रहते हैं कि इसको हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे होते हैं, और डिस्कवरी करने वाले का नाम याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो यहां से आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, कंपटीटिव एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है क्या है स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग किसी किसी कंपैरिजन हो सकता है, कंपैरिजन आपके हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैरिजन, ग्रेविटेशनल कंपैरिजन और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक से तो नाम पता चला वो वीक है, पर उसके बारे में भी हम और जानेंगे, पर अभी यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये तीनों से क्या है, आप सोच रहे हैं तीनों से स्ट्रांग है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, अभी कहां कहां पर आता है, कहां पर यूज होता है, कहां पर ये फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं, तो आप जानते हैं कि एटम, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने की जो फोर्स अप्लाई करता है वो हमारा फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और यहां पर क्या होता है, आप जानते हैं कि तीन तरीके से यहां पर पेयरिंग होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन होती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की होती है, तो यहां पर देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्शन हो सकता है, तो यहां पर किस तरीके से आप सही समझ रहे हैं, यहां पर भी वो एक दूसरे को बाइंड करता है, यानी कि दोनों को अलग नहीं होने देता, एक तरीके से दोनों को अच्छे से टाइटली पकड़ कर रखता है कि दोनों अलग ना हो, तो ये क्या काम करता है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उन तीनों यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन तीनों को अच्छे से टाइटली पकड़ रखता है, बांध करता है, जिससे तीनों अलग ना हो सके, इसमें देखिए केस ये बनता है कि जब हमारे प्रोटॉन है वो किसी भी एटम में 83 से ज्यादा हो जाता है, तो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, यानी रेडियो एक्टिव एटम बन जाता है, और जब ऐसे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बना लेते हैं, अब जानते हैं पीरियडिक टेबल में एक अलग से चार्ट बना हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, तो इस पीरियडिक टेबल में भी मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस पीरियडिक टेबल में दो अल्फाबेट ऐसे हैं, दो अल्फाबेट ऐसे हैं जो पूरे पीरियडिक टेबल में आपको नजर आएंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको जानने के लिए हमारे शॉर्ट्स को देख सकते हैं, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो ये जो हमारे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो इंडिपेंडेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस क्या मतलब है यहां पर, ये तीनों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रहता कि प्रोटॉन अलग है न्यूट्रॉन अलग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को थोड़ा सा रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करता, वो तीनों को टाइटली बांध
करके रखता है। और ये जो फोर्स है हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है इन तीनों के कंपैरिजन में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में और वीक न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के, तो अब हम लोग बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या कहता है, कहां पाया जाता है, क्या इसमें और चीजें हैं इसमें हम जानते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये पहले जानते हैं, काफी रेयर फोर्स है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम आपको मतलब पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में आगे। तो ये कहां पर पाया जाता है, जब कोई न्यूक्लियर फिशन होता है, कोई भी न्यूक्लियर डिके होता है, तो जो न्यूक्लियर होता है वो क्या करता है, इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स और अनचार्ज पार्टिकल्स को, क्या करता है, इमिट करता है न्यूक्लियर डिके से। तो वहां पर क्या होता है, जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन अनचार्ज पार्टिकल्स को क्या कहता है, एंटी न्यूट्रिनोस, एंटी न्यूट्रिनोस को कहा जाता है। और जो रेंज होती है उसकी 10-16 मीटर, मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बताना भूल गया था, उसकी रेंज होती है 10-15 मीटर, वो किसकी है, स्ट्रॉन्ग की है, और वीक क्या है, 10-16 मीटर, इसको याद रखिएगा। इस टॉपिक में बात आ रही है क्वार्क की, इसको आप और अच्छे से जानेंगे क्लास में, डीसी बेसिक में आपको बता दूं, जो हमारा जो प्रोटॉन है या कहते हैं जो हमारा न्यूट्रॉन है वो किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। कैसे, क्योंकि जो क्वार्क है वो हमारा यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसमें मैंने शॉर्ट्स बनाया था, अगर आप देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं, यहां पे एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगा। इससे पहले ज्यादा कुछ यहां पर नहीं दिया हुआ, पर इसके बाद 12th में और अच्छे से बारे में जानेंगे कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वीक न्यूक्लियर फोर्स में हमारा कितना था, इसकी क्या रेंज है, कहां से निकल रहा है, क्या इसमें इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा अनचार्ज पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो यूनिफिकेशन का मतलब, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी किसी भी दो फोर्सेस को एक लॉ के साथ यूज कर लेना, तो क्या कहता है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए रखे हैं, तो वहां से मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में वो क्या रहा है। तो यूनिफिकेशन फोर्सेस में सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं आइज़ैक न्यूटन का, जो उन्होंने 1687 में बताया था कि अगर कोई भी दो फोर्सेस हैं, जैसे कि मास और एनर्जी को जब क्या किया, इक्विवेलेंस किया, उसको इक्विवेलेंस करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको यूनिफाई किया, तो वहां से जो उसके फोर्सेस थे और उसके बाद जो उसके टाइम स्पेस था, उन सारी चीजों को एक किया गया। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने इस बात की सारी चीजों को एक किया। तो यानी कि किसी भी एक लॉ पर, जैसे इसमें क्या बात की ग्रेविटेशन, यानी मास और एनर्जी से ग्रेविटेशन से करंट किया, उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ से उसको करंट किया, मास अलग है और एनर्जी अलग, दोनों क्या है, अलग अलग, क्या हमारे सिस्टम से उनको एक मिला, एक फॉर्मूला मिला, एक लॉ मिलाया, तो वो क्या कहलाया हमारा यूनिफिकेशन कहलाया। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट हमें पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने फिजिकल लॉ पर, यानी कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, इसमें क्या है, फिजिकल लॉ होता क्या है। तो फिजिकल लॉ को समझने के लिए देखिए कि फिजिकल लॉ कहना क्या चाहता है, फिजिकल लॉ कहना चाहता है किसी भी प्रोसेस को जो आपके आसपास हो रहा है, उसको किसी एक ऐसे टर्म में आपको रखिए जो सबको समझने में आसानी हो, सबको समझने में आसानी हो, क्या मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में, यानी अगर आप यहां पर हैं, अपने आसपास के लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझा सकते हैं, पर अगर कोई दूसरे कंट्री का है या किसी पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है कि उसको आप कोई भी ऐसा जो लॉ है उसको समझा सके, तो उस लैंग्वेज में आती है हमारी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के टर्म पर जब उसको समझाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, साइंटिफिक प्रूफ हो जाता है कि ये जो आप बता रहे हैं, जो भी फिजिकल फोर्सेस हैं नेचर के थ्रू, वो क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स के थ्रू क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में आप एक ही चीज को समझा सकते हैं, एक लैंग्वेज है जिससे पूरे सबको समझा सकते हैं, पूरे सिस्टम समझा सकते हैं किस तरीके से इसमें चीजें वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा फिजिकल लॉ था, फिजिकल लॉ के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसके अंदर आता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ की, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, तो जानते हैं कि उसमें कोई ना कोई डिफरेंट तरीके फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप फोर्सेस भी होते हैं, उसमें क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज भी अप्लाई हो रही होती है, फिजिकल क्वांटिटीज अप्लाई हो रही होती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, यानी कि वो कैसे थी, कांस्टेंट वैसी बनी रहती है। तो इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं लोग, कंजर्व क्वांटिटीज कहते हैं, और इन क्वांटिटीज को जो लॉ गवर्न करता है, उस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमारे चैप्टर में 4 लॉस दिए हुए हैं, जिनको हम लोग आज क्लास में जानेंगे। उसमें सबसे पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फोर्थ क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताया कि एनर्जी, एनर्जी क्या ऊर्जा है, और आप जानिए कि एनर्जी अगर किसी भी फॉर्म में यूज हो रही है, तो वो क्या होगी, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कभी क्रिएट नहीं होगी। तो यही चीज में बताया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी वो क्या होगी, कंजर्व हो रही है। कैसे कंजर्व हो रही है, अब इसको हम लोग जानेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एनर्जी वो नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि क्या हो रहा है, एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि अगर आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में एनर्जी बनती है, फॉर्म होती है एनर्जी, वो एनर्जी कहां से आ रही है, फूड से आ रही है, फूड से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी का कोई वर्क कर रहे हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फूड से आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, आपके अंदर किसी वर्क में ट्रांसफर हो रही है, उस वर्क से कोई आउटपुट मिला, उस आउटपुट में एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी क्या हो रही है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो कभी क्रिएट नहीं हो रही, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो सिर्फ सिंपली ट्रांसफर हो रही है। इसका एग्जांपल लेते हैं, और लोग इस एग्जांपल से जैसे कोई भी बॉल है, कोई बॉल किसी बिल्डिंग से गिर रही है, इसके पहले क्लासेस में इसलिए काफी क्वेश्चंस भी देखे होंगे, और इसलिए इसको समझना भी आसान रहेगा। जैसे कोई बॉल गिर रही है, उसको क्या पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगी, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है, अंदर से क्या अप्लाई मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर क्या होगा, तो इसका जो पूरा सिस्टम रहेगा, यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी फॉर्म, कोई चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, या फिर कह सकते हो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जब उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं की जाएगी, जैसे वैल्यू पुट किया गया, तो उसके का फॉर्म अलग अलग बन जाएगा। तो इसके जैसे और क्या कह सकते हैं कि आप देखिए कि कोई भी एनर्जी है, वो क्या सिंपली ट्रांसफर हो रही है, और कोई बात इसमें नहीं है। और अगर आपको याद हो, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, या फिर कह सकते हैं कि रीजन हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ग्रेविटी क्या है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद हमारी क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम से मास और वेलोसिटी। अगर आपको याद है तो बहुत सी बातें नहीं आता, तो एक बार रीजन हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कि इसमें मैंने बात किया आइसोलेटेड सिस्टम में, तो यहां पर डबल सकता है कि ये कौन सा वर्ड, ये कौन सा टर्म है, इसमें इसमें क्या बात हो रही है, और आगे भी इसकी बात करेंगे, इसको जान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी जब भी कोई दो फोर्सेस को क्या किया असेंबली, यानी दो फोर्सेस जब कैसे दो पार्टिकल्स से दो बॉडी की जब असेंबली होती है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, तो हम लोग बात करते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो एट दैट टाइम वहां पर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। इसके इसको समझने के लिए एग्जांपल का हम लोग हेल्प लेते हैं, एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे कोई गन है, तो गन जब तक फायर नहीं हुई, जैसे उसमें बुलेट लोड की गई, पर उसमें कोई फायर उसको नहीं किया गया, तो एट दैट टाइम उसका क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम रहेगा, वो क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा। और जब गन को ट्रिगर किया जाता है, जो उसको फायर किया जाता है, तो बुलेट होती है काफी लार्ज वेलोसिटी से जाती है फॉरवर्ड, आगे बढ़ती है, और जो हमारी गन होती है वो किस तरह जाती है, सच स्मॉल वेलोसिटी के साथ वो बैकवर्ड होती है। तो एट दैट टाइम जो हमारा फाइनल मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वहां से हमें पता चलता है, जो हमारा लीनियर मोमेंटम, यानी कि उसका क्या कहने का मतलब, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो पहले रेस्ट में था, तो उसी तरीके से फिर दोबारा क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, वहां पर जो मोमेंटम था वो क्या रहा, हमारा जीरो रहा। क्लियर, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोग जानते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप जान रहे हैं कि किसी बात पर एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोई भी क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्या रहा, रोटेट कर रहा, क्या घूम रहा, जैसे आपने लीनियर में जाना स्ट्रेट लाइन की, वैसे एंगुलर में क्या रोटेशन से रिलेटेड सारी बातें हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक्सिस पे क्या रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके पास क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया होगी, रोटेशनल इनर्शिया होगी, उसको हम क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एसोसिएटेड मोमेंटम से, और उसको हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। क्लियर, अब इसमें इनर्शिया की बात, अगर आप इनर्शिया जानते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इनर्शिया नहीं जानते, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या था, या फिर कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो उसमें बात हो रही थी इनर्शिया की, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई मोशन कर रहा है, तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट ही करते रहना चाहता है। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल टॉर्क पर नहीं एक्ट होता है सिस्टम पर, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि आपको मिलता है सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, l = i ओमेगा, l क्या एंगुलर मोमेंटम है, i क्या हमारा इनिशियल मोमेंटम है, और जो ओमेगा यानी कि w की तरह उसका w इनवर्ड रखा है, उसको हम ओमेगा कहते हैं, वो क्या हमारा एंगुलर स्पीड। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टोर्नेडो से, टोर्नेडो क्योंकि देखिए रोटेशन की बात हो रही है, तो इसमें क्या ले सकते हैं, टोर्नेडो जैसे गोल गोल घूमता है, काफी उसमें हॉट एयर रहती है, उसकी एयर रहती है, अपसाइड डाउन हो रही है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो डिक्रीज कर रहा है, जिससे उसका एंगुलर मोमेंटम वो क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये पूरा हमारा किस पे रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अब हम लोग इस बारे में चार्ज की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं।
चार्ज में क्या होता है कि कोई भी चार्ज क्या है वो नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या सिंपली ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, सेम वैसे हमारा जो चार्ज है वो भी ट्रांसफर हो रहा है वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसके पहले भी एग्जांपल को आप जानते हैं, मैं बताऊं तो फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा और इससे आप कनेक्ट कर सकेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, रॉड और सिल्क क्लॉथ का। आपको याद आएगा कि रॉड को सिल्क क्लॉथ के अंदर रखते हैं उसमें क्या होता है, चार्ज बन जाता है, वो चार्ज कैसे बन जाता है, जब उसको रॉड को क्या कहते हैं, सिल्क क्लॉथ से रख रहे हैं तो आप उसमें वर्क करते हैं तो एनर्जी जो है आपकी उसमें ट्रांसफर होती है, जो चार्ज के फॉर्म में बनती है, फिर जब रॉड को किसी पेपर के पास जाते हैं तो वहां से जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है उस पेपर में, वो पेपर उस रॉड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या है, प्रोसेस एनर्जी का, चार्ज का, जो क्या होता है, ट्रांसफर होती है, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होती, कहीं क्रिएट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक सिंपली क्या हो रही है, ट्रांसफर होती है। तो हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड सिमेट्रीज इन नेचर। सिमेट्रीज इन नेचर का कहने का मतलब सिमिलैरिटी की बात, सिंपल भाषा में बात की जाए तो आपको किसी बात की जा रही है, सिमिलैरिटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन में और नेचर में क्या सिमिलैरिटी, इस बीच में हमको बताना है, रिलेशन बताना है। तो यहां पे तीन चीजों से रिलेशन यहां पर बताया जा सकता है, जो कि हमारा स्पेस टाइम और डायरेक्शन। स्पेस टाइम और डायरेक्शन अगर आपको भूल जाता है तो उसको याद कर सकते हैं एसटीडी, एसटीडी कौन सा होती है ना, उसे आप याद कर सकते हैं, एसटीडी कौन सा हमारा क्या था, यहां पर रिलेशन निकला था, क्या रिलेशन निकला था, स्पेस का टाइम और डायरेक्शन का। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं स्पेस में किस तरीके से रिलेशन निकला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो स्पेस यानी कि जैसे इसके पहले हम लोग क्या थे, एग्जांपल देखे थे चार्ज का, चार्ज एग्जांपल देखे थे, उसमें क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, अगर वो एक्सपेरिमेंट हम लोग कहीं पर परफॉर्म करें, कहीं पर परफॉर्म करें, यहां पर परफॉर्म करें, कहीं और परफॉर्म करें, तो उसमें क्या कोई चेंज आएगा, क्या उसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि वहां पर क्या अप्लाई हो रहा है, वहां पर अप्लाई हो रहा है हमारा, देखिए अभी मैंने एग्जांपल से किस एग्जांपल से मैं इसको लिख रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करा, तो जो कि एनर्जी चार्ज में सेम चीज परफॉर्म हो रही है, नेगेटिव नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहां पर बता सकते हैं कि जो हमारा स्पेस का टाइम, यानी कि स्पेस रिलेटेड चीज है, वो किससे डिनोट कर रही है, किससे सिमिलर हो रही है हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिमिलर यहां पर शो हो रही है। तो हमारा स्पेस, अब हम लोग बात करते हैं टाइम की, अब टाइम में भी अगर आप देखना चाहते हैं, सेम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सेम एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें देखेंगे आज जो एक्सपेरिमेंट आपने किया रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, अगर यही एग्जांपल 2-3-4 साल बाद, यानी कि हर साल अगर आप एग्जांपल उसी सेम जगह उसी सेम टाइम में करते हैं, तो क्या उसमें कोई उसके रिजल्ट कोई चीज आने वाला है, कोई चीज नहीं आएगा, कोई चीज नहीं आएगा, वो जो जैसे आज परफॉर्म हो रहा है वैसे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद वैसे वही उसका रिजल्ट निकला, तो यानी कि वहां पर कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी चेंज ना आने वाला, कौन सा हमारा लॉ है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या स्ट्रेट लाइन, यानी परफॉर्म किया परफॉर्म, कहीं परफॉर्म उसमें क्या रहा, लीनियर रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं डायरेक्शन, तो आप यूनिवर्स में देखेंगे, आप यूनिवर्स में देखें, कोई भी ऐसी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है जहां से आप एंगुलर मोमेंटम को राइज कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहीं भी ऐसे रोटेट कर, कहीं फॉर्म रहा है, अभी यूनिवर्स में हमारी अर्थ है, सन है, या फिर अभी कहीं ऐसे अदर अदर प्लैनेट्स हैं, या फिर कोई भी बॉडी है, तो कहीं नहीं क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म हो रहा होता है, तो ये हमारा डायरेक्शन, कोई ऐसी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं हो, हर जगह एंगुलर मोमेंटम होता है, तो किसी लिए सिंपली हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से लिखा है। तो अगर आपको पूछा कि इन रिलेशनशिप बताइए किसी बीच लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बीच और आप बताइए सिमेट्रीज ऑफ नेचर, सिमेट्रीज नेचर, तो आपके पास क्या है एसटीडी, एसटीडी से आपको याद आ जाएगा कि क्या है सिमेट्रीज, आप उसमें बताएं, क्लियर, क्लियर। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा लास्ट लेक्चर है, और इसके पहले अगर आपको कोई डाउट होता है तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, हमारा पूरा का पूरा ट्राई रहता है कि जितने भी कमेंट्स हैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू।